नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सिटी वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर खुशबू गुप्ता। खुशबू गुप्ता जी, आपका सूरत में स्वागत है। थैंक यू। सूरत आपको कैसा लगा पहले मैं आपको ये पूछूंगी। मुझे सूरत हमेशा से बहुत पसंद है। हम बहुत बार आए ऑडिशंस के लिए, ऑडिशंस के लिए, और हमेशा एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत ज़्यादा क्रेज है यहाँ पे लोगों को डांस का, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोग सीखना चाहते हैं यहाँ पर। तो मुझे हमेशा से वर्कशॉप कराना सूरत में, और मैं पहली बार यहाँ वर्कशॉप के लिए आई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड। आप वर्कशॉप के लिए यहाँ पे आई है, आपने श्रद्धा मैम ने आपको बुलाया है। तो श्रद्धा जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि वर्कशॉप आपने किस लिए ऑर्गेनाइज किया है? हेलो, जैसे मैं DIT स्कूलों में जीत के खुशबू जी मेरे कोरियोग्राफर थे, और जितने भी रियलिटी शो में अभी उन्होंने मोर देन 15 रियलिटी शो में कोरियोग्राफी की है, और वो एक्चुअली सेलिब्रिटी परफॉर्मर और कोरियोग्राफर है। जितने भी हमारे यहाँ पे रियलिटी शो TV पे देखते हैं, तो उन सबके पीछे उनका हाथ है। और मैं चाहती थी कि हमारे सूरत के लोगों को कोई फिनिशिंग टच देने वाला मिले, और खुशबू वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो वो यहाँ पर आया है एक्रो शाइंस ऑफ लिप्स नाम की पर्टिकुलर न्यू डांस फॉर्म सिखाने के लिए, जो गुजरात में फर्स्ट टाइम है। और जैसे खुशबू फर्स्ट टाइम सूरत में वर्कशॉप ले रहे हैं, और आई विश कि जितने लोग उसका फायदा उठा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर साल मैं वर्कशॉप करती थी, इस बार श्रद्धा ने वर्कशॉप ले लिया है। मेरा भी 5 साल से वर्कशॉप हो रहा था, बट मैं चाहती थी कि श्रद्धा का वर्कशॉप एकदम से हिट हो जाए, इसके लिए मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है इस बार। और मैं अभी खुशबू जी से पूछना चाहती हूँ, आपका जो रियलिटी शोज में जो जर्नी रहा है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मेरा रियलिटी शोज का जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मैं एज ए कंटेस्टेंट TID या कोई और शो नहीं किया था। हमेशा से मुझे कोरियोग्राफी में इंटरेस्ट था, सिखाने में इंटरेस्ट था, तो मैंने डायरेक्टली रियलिटी शो का कोरियोग्राफर ज्वाइन किए। और मेरा पहला रियलिटी शो था सुपरमॉम नाम की श्रद्धा मिली थी। इसके लिए हमारा बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरा भी पहला कदम था वो मेरे जर्नी की तरफ। अब तक मैं 15 रियलिटी शोज कोरियोग्राफ कर चुकी हूँ, जिसमें DIY चैनल के साथ सुपर डांसर रश्मि रुकी टेप डांस वगैरह वगैरह बहुत सारे शोज हैं। एक ही चीज़ जो है वो जो कॉमन है ये सब रियलिटी शोज में, जो मुझे लगता है वो ये, चाहे वो बड़ों का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो अडल्ट का हो, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब छोटे शहर में से जब लोग आते हैं और आपके वहाँ पे, और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन वहाँ पर शो में पहुँच के जो वो 2.5 महीने 3 महीने में सीखते हैं, उससे हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है। देन वो जीते या नहीं जीते शो इवेंचुअली, क्योंकि यहाँ पर उनको सीखने के लिए उतना नहीं मिलता, उतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो वहाँ पर हम 2.5 महीने से हमको सिखा पा रहे हैं कुछ नया, तो हमको बहुत प्राउड फील होता है। तो इसके लिए आई थिंक मैं बोलती नहीं हूँ, अभी तक 5 साल से मैं यही कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं यही करते रहूँगी। बहुत बहुत हमारी भी आपको शुभेच्छा रहेगी कि आप बहुत ही आगे बढ़े, और बहुत सारे सूरत में पहली बार आई है, हम चाहेंगे हर साल आप सूरत में आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर महीने आओगे। हाँ बिल्कुल, हर महीने आए तो बेटर है। तो और भी हमारे जो सूरत की टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको ज़्यादातर सीखने को, डांस फॉर्म सीखने को मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पर क्या सिखाने वाली है वो हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। हम 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें आज पहला दिन है, जिसमें हम लोगों ने कंटेम्पररी बेसिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लिस्ट शाइन एक्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को चोट नहीं लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इंजर नहीं हों, और उसके लिए उनको एक छोटा समझ देना, मुझसे सीखने, क्योंकि मुझसे सीख रहे पहली बार, तो ये समझना कि मैं किसे सिखा रही हूँ, मुझे समझना कि उनका पोटेंशियल क्या है ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए हमने आज के डेटरी से ज़्यादा स्टार्ट किया है वर्कशॉप, तो होपफुली मैं उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए। मतलब आज फर्स्ट डे आप कंटिन्यू सिखा रही हो, ठीक है, और सेकंड और थर्ड डे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आप सिखाएंगे। तो अभी तक हमारे बच्चे ने काफ़ी तक थोड़ा सा सीख लिया है, तो हम बच्चों से भी बात करेंगे, तो प्लीज़ बच्चे को हम बुलाएंगे। खुश रहो, स्माइल करता रहो, हाय बोलना नहीं चाहते हैं मैम, खुद खुश रहो, कैमरा में जाओ, हाय हाय चिल्लाओ चिल्लाओ, के
बच्चों को, जो आज खुशबू गुप्ता जी जो सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर है उन्होंने आज सिखाया है कंटेंट। तो हम बात करेंगे यहाँ के जो स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे, आपको आज कैसा लगा यहाँ पे सीख के? बहुत अच्छा लगा और सारी न्यू टेक्निक्स सीखने के लिए मिली, बहुत जल्दी से स्टेप्स हो रहे हैं, लर्न हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है वर्कशॉप या यहाँ पे सीखते गए? अभी पहली बार ज्वाइन किया लेकिन मैं यहाँ पे सिखा दूंगी। ओह, वेरी नाइस। तेरा नाम क्या है? मैं टेपर्स डैम स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरा नाम पॉल पंजाबी है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने क्या सीखा? आज मैंने बहुत सारे मस्त 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 स्टेप्स सीखे। वाह, क्या बात है। और कौन बोलेंगे, किसने अच्छा, सबसे अच्छा किसने सिखा है? अच्छा, आई थिंक आप मिसिस है। यस मिसिस, बिल्कुल आइए। आपका नाम? माय नेम इज काश्मीरा एंड आई एम 40 इयर्स ओल्ड। मैं कोशिंबा से आती हूँ, मैं सिर्फ क्लासिकल डांसर हूँ, पर यहाँ पे खुशबू मैम ने मुझे जो कंटेंट के स्टेप्स जो लर्न कराए जो मैं नहीं कर पा रही थी आज इजीली मैंने लर्न कर लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एंजॉय एंड आई अटेंडेड दिस वर्कशॉप। तो बिल्कुल ही यहाँ पे जितनी भी सूरत में मम्मी है, मॉम है, वो भी यहाँ पे आके सीख सकती है। कंटेंट के अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल्स है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप टेपर्स डांस स्कूल एकेडमी में आइए और सीखिए। अभी 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन में आप बिल्कुल अच्छा सा डांस फॉर्म सीख सकती है। तो हम बात करेंगे खुशबू से कि आज आपने जो सिखाया है वो हम देखना चाहते हैं, हमारा दर्शक देखना चाहते हैं, तो किया है जो 100 अराउंड हमारे बच्चे हैं उस पर कितना फर्क आया है।
बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, आपका वर्कशॉप बहुत ही अच्छा चले, ऐसी शुभकामनाएं।